हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम आपको बताएंगे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB ने स्टेनोग्राफर और LDC की जो वैकेंसी निकाली है उन वैकेंसीज के बारे में, जिनमें हम आपको बताएंगे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या पे है, कैसे एग्जाम होगा और क्या सिलेबस है और साथ ही कैसे आवेदन करना है। तो सबसे पहले जानते हैं वैकेंसीज के बारे में। जो पहली पोस्ट है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड की है, जिसके लिए पे 2400 ग्रेड पे में है और मैक्सिमम एज है 27 साल। जो एज है वो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन यानी 25 सितंबर 2017 को काउंट होगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन है कि आप 12वीं पास हो, साथ में आपको हिंदी या इंग्लिश की स्टेनोग्राफी आती हो कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट। टोटल वैकेंसी जो है वो 95 है। वही LDC की जो पे है वो 1900 ग्रेड पे में है और मैक्सिमम एज 27 साल है। क्वालिफिकेशन है आप 12वीं पास हो, साथ में 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड रखते हो। टोटल वैकेंसी जो है वो 78 है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन जो होगा वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और उसके बाद स्किल टेस्ट के थ्रू होगा। स्टेनोग्राफर के लिए जो CBT होगा वो 200 क्वेश्चन उसमें आएंगे, 200 मार्क्स का होगा। टाइम लिमिट होगी 2 घंटे। VH कैंडिडेट्स को 40 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। 3 सेक्शन आएंगे इस पेपर में, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन के 100 क्वेश्चन आएंगे। जो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग होगा और 10 मिनट का होगा। इसमें 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको डिक्टेशन दिया जाएगा और ये जो है वो आपको कंप्यूटर पे ट्रांसक्रिप्ट करना होगा। ट्रांसक्रिप्शन टाइम है 50 मिनट इंग्लिश के लिए और 65 मिनट है हिंदी के लिए। और जब आप फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको, जैसे आप हिंदी के स्टेनोग्राफर हैं तो आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी और इंग्लिश के हैं तो आपको हिंदी स्टेनोग्राफी सीखनी होगी। LDC के लिए CBT होगा वो 200 क्वेश्चन का होगा, 2 घंटे का समय इसके लिए दिया जाएगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे। जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो इंग्लिश में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट का होगा। VH कैंडिडेट्स के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा और सामान्य कैंडिडेट्स के लिए 10 मिनट का समय होगा। अब बात कर लेते हैं इंडिकेटिव सिलेबस की, जो ASRB ने जारी किया है। तो जनरल इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन होंगे वो रीजनिंग के, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आएंगे, जिसमें आपके एनालिसिस, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, स्पेसिफिक रियलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज और नॉन वर्बल सीरीज के होंगे। वही इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे उसमें वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इनके करेक्ट यूजेस के बारे में बताया जाएगा, जिससे आप कैंडिडेट्स की राइटिंग एबिलिटी को भी चेक किया जा सके। जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा वो अर्थमेटिक ही इसमें मेन होगा, जिसमें होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आएंगे। अर्थमेटिकल मेन रहेगा, ज्यादा ज्योमेट्री और एलजेब्रा वगैरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल ही नहीं आएंगे। तो मेन फोकस आप अर्थमेटिक पे रखिए और उसकी अच्छी तैयारी कीजिए। जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो कॉमन सिलेबस है, जिसमें आपको भारत, उसके पड़ोसी देश और स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, भारतीय संविधान, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में आएंगे, जो आप डेली ऑब्जर्व करते हैं, पढ़ते हैं अखबारों में और जो आप बुक वगैरह पढ़ते हैं। कोई स्पेशली कोई जनरल अवेयरनेस के लिए नहीं दिया हुआ है, सामान्य ही दिया हुआ है। तो जो SSC वगैरह की तैयारी करते हैं सेम वही सिलेबस, वही पढ़िए आप, वही सिलेबस रहेगा आपका। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन है, आप http://www.asrb.org.in पर जाएंगे, वहाँ आप फॉर्म भरेंगे। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो ऑनलाइन है और 200 रुपये है। जनरल OBC के लिए SST, PH और एक्स सर्विसमैन वुमेन कैंडिडेट्स को कोई भी फी पे नहीं करनी है। वहीं अब कुछ जरूरी चीज़ें जान लेते हैं कि अगर आप फॉर्म भरते समय ये इंडिकेट नहीं करते हैं कि आपके पास स्टेनोग्राफी या टाइपिंग की स्किल्स हैं, योग्यता रखते हैं, तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। जब आप रिटर्न एग्जाम, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, वो क्वालिफाई कर लेते हैं और स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाते हैं, तो उस समय आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के साथ में जो प्रिंट आउट है भरे हुए आवेदन पत्र का, वो लेके जाना होगा। इसलिए जब आप फॉर्म भरें उस समय ही एक या दो प्रिंट आउट निकलवा के रख लें, तो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो स्किल टेस्ट के टाइम पे वो देखा जाएगा। और इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी वहाँ कर लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट 18 अगस्त 2017 को जारी हुआ था और एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है 31 अगस्त 2017।
लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन है 25 सितंबर 2017 और लास्ट डेट ऑफ फी है 25 सितंबर 2017, सेम ही है क्योंकि फीस ऑनलाइन है। एग्जाम जो होगा वो 29 अक्टूबर 2017 को होगा, तो आप तैयारी कीजिए क्योंकि 31 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हुआ है और 29 अक्टूबर का टेस्ट है, तो इसलिए समय कम है, आप तैयारी कीजिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। साथ ही अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्लस, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।